मैं एक धार्मिक आदमी हूँ, हनुमान जी का कट्टर भक्त हूँ। हनुमान जी की असीम कृपा है मेरे ऊपर। मेरा जन्म जन्माष्टमी के दिन हुआ था, जिस दिन मेरा जन्म हुआ था उस दिन जन्माष्टमी थी, श्री कृष्ण जन्माष्टमी। और मुझे भगवान ने एक स्पेशल काम दे के भेजा है, ये इन कंस की औलादों का नाश करने के लिए। पूरे देश और गुजरात में बेशक ठंड धीरे धीरे दस्तक दे रही है, लेकिन चुनाव से ठीक पहले सियासी पारा हाई होता नजर आ रहा है। बीजेपी और अरविंद केजरीवाल भिड़ते नजर आ रहे हैं, दोनों के बीच में सियासी उठापटक देखने को मिल रही है। आपको पता होगा और अरविंद केजरीवाल का इतिहास कहता है कि वे एक लंबे समय से खुद को हनुमान जी के कट्टर भक्त बताते नजर आ रहे हैं, लेकिन अब क्या ऐसा हुआ कि उन्होंने श्री कृष्ण का भक्त बता दिया खुद को? उन्होंने कहा कि मुझे श्री कृष्ण ने भेजा है, मेरा जन्म भी जन्माष्टमी को हुआ है और मेरा काम कंस की औलादों का संहार करना है। दिल्ली के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम की ईश्वर पर टिप्पणी के बाद उपजे विवाद के बाद पूरी आम आदमी पार्टी बीजेपी के निशाने पर है। शनिवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गुजरात के वडोदरा में तिरंगा यात्रा रैली के ठीक पहले काले होर्डिंग लगाए गए। इस पर सीएम केजरीवाल का रिएक्शन सामने आया। केजरीवाल ने कहा कि मैं देख रहा हूं, जब से मेरा गुजरात द्वारा शुरू हुआ है, मैं गुजरात आना शुरू हुआ हूं, तो गुजरात के शहरों में जगह जगह पोस्टर और होर्डिंग मेरे खिलाफ लगाए गए हैं। सीएम केजरीवाल ने विरोधियों पर तंज कसते हुए कहा कि ये लोग मुझसे नफरत करते हैं, ये लोग मुझे जो मर्जी कह ले, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझसे नफरत की वजह से इन लोगों ने भगवान का अपमान किया और लिखा था मैं हिंदू धर्म को पागलपन मानता हूं। आगे पोस्टर में लिखा था कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश और राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानता। हालांकि बाद में पोस्टर को आप कार्यकर्ताओं ने रैली की जगह से हटा दिया। अब इस पर सीएम अरविंद केजरीवाल नाराज लगा नजर आए। मैं देख रहा हूं, जब से मेरा आज गुजरात आने का तय हुआ, इन लोगों ने गुजरात के शहरों में जगह जगह पोस्टर होर्डिंग मेरे खिलाफ लगाए, वो तो ठीक है, ये लोग मुझसे नफरत करते हैं, मुझे जो मर्जी कर ले, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। उन सारे होर्डिंग पोस्टर के ऊपर इन्होंने भगवान के खिलाफ बड़े अपशब्द इस्तेमाल किए हैं, भगवान का अपमान किया इन लोगों ने। जिन लोगों ने भी ये पोस्टर लगाए हैं वो अब मेरी मुझसे नफरत करते हैं, नफरत में इतने अंधे हो गए हैं कि इन्होंने भगवान को भी नहीं बख्शा, भगवान के खिलाफ इन्होंने इतने अपशब्द और इतना अपमान किया उन पोस्टरों के अंदर। मैं पूछना चाहता हूं, क्या गुजरात के लोग इसको बर्दाश्त करेंगे? अरे तुम कंस की औलाद हो, तुम कंस की औलाद हो जो इस तरह से भगवान का अपमान करते हो। मैं एक धार्मिक आदमी हूं, हनुमान जी का कट्टर भक्त हूं। हनुमान जी की असीम कृपा है मेरे ऊपर। ये लोग, ये जितनी असुरी शक्तियां हैं, राक्षसी शक्तियां हैं, वो सारी इकट्ठी हो गई हैं मेरे खिलाफ। ये सब लोग कंस की औलाद हैं, भगवान का अपमान करते हैं, भक्तों का अपमान करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, लफंगई करते हैं, मारपीट करते हैं। मैं इनको बताना चाहता हूं, मेरा जन्म जन्माष्टमी के दिन हुआ था, जिस दिन मेरा जन्म हुआ था उस दिन जन्माष्टमी थी, श्री कृष्ण जन्माष्टमी। और मुझे भगवान ने एक स्पेशल काम दे के भेजा है, ये इन कंस की औलादों का नाश करने के लिए, इनका सफाया करने के लिए। ये जितने कंस की औलाद हैं, जितने भ्रष्टाचारी हैं, जितने गुंडे हैं, जनता को इनसे मुक्ति दिलाने के लिए हम सारे मिलके भगवान के इस काम को पूरा करेंगे।
भगवान हमारे साथ है, लोग हमारे साथ हैं, जनता बदलाव चाहती है, उसकी वजह से ये पूरी तरह से बौखलाए हुए हैं। मैं इनको कहना चाहता हूँ, आप केजरीवाल से नफरत कर लो, लेकिन भगवान के खिलाफ अगर इस तरह के अपशब्द लिखोगे तो जनता बर्दाश्त करने वाली नहीं है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें। सीएम केजरीवाल ने तंज कसते हुए कहा कि जिन लोगों ने पोस्टर लगाए हैं ये नफरत में इतने अंधे हो गए कि उन्होंने भगवान को भी नहीं बख्शा। केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि तुम कंस की औलाद हो जो भगवान का इस तरह से अपमान करते हो। मेरा जन्म जन्माष्टमी के दिन हुआ था, मुझे भगवान ने एक विशेष काम देकर भेजा है, वो इन कंस की औलादों का नाश करना है। मैं धार्मिक आदमी हूँ, हनुमान जी का कट्टर भक्त हूँ। आप केजरीवाल से चाहे नफरत कर लो, लेकिन अगर भगवान के खिलाफ अब शब्द लिखोगे तो जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। ये जितने भी भ्रष्टाचारी है, जनता को इनसे मुक्ति दिलाने के लिए हम सारे मिलकर भगवान के इस काम को पूरा कर लेंगे। इसके बाद दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने वडोदरा में हुई तिरंगा यात्रा में जय श्री राम के नारे भी लगाए। बताते चलें कि गुजरात में विधानसभा के चुनावों से पहले आम आदमी पार्टी मिशन मोड में प्रचार प्रसार कर रही है। आपने पार्टी के सभी बड़े नेताओं को गुजरात चुनाव में प्रचार के लिए उतार दिया, लेकिन उनके एक मंत्री ने नागपुर में हिंदू देवी देवता विरोधी एक बयान देकर विवाद खड़ा कर दिया। इसके बाद से ही बीजेपी आक्रामक है और कल जो पूरा वाक्य हुआ वो आपके सामने है। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।